Hello students, hope you all are doing good. This is this video for EVS of standard 2. Hope you all are doing good and you are safe in your houses. You are not coming out, not playing with other children. आपके घर बार के अगल बगल में दूसरे बच्चों के साथ आप खेल नहीं रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज की COVID-19 यानी कि कोरोना के वजह से बहुत त्रासदी हो गई है. तो हम मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अच्छे बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, तो आप जो है घर से ना निकले बाहर और घर में ही रहकर स्टडीज करें. इसलिए हम लोग आज अपने स्टैंडर्ड 2 के बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पहले जानेंगे. फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है अपनी फैमिली के बारे में. फैमिली तो समझते हैं, परिवार सब जान रहे हैं. फैमिली सबके पास होती है, हमारे पास है, मेरे पास है, आपके पास भी है. आपकी फैमिली में हो सकता है आप सिंगल फैमिली में यानी कि स्मॉल फैमिली में, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, लार्ज फैमिली, ये सब जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ज्वाइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली के बारे में. अब उसको रिकॉल करके थोड़ा उस पर एक्सपेंड करके पढ़ेंगे इस क्लास में. प्रीवियस क्लास में भी हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में भी हमें पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसके बारे में और डीपली जाना है. फैमिली सबके पास होती है. आप सिंगल फैमिली में रहते होंगे यानी न्यूक्लियर फैमिली में, कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, आपके मम्मी पापा सब. जो स्मॉल फैमिली में रहते हैं वो मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं. तो इस चैप्टर को फर्स्टली हम देखेंगे. इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है. फर्स्ट चैप्टर इज माय फैमिली ऑफ ईवीएस. फर्स्ट इन दिस चैप्टर व्हेन यू विल ओपन द बुक एंड यू विल ऑन पेज नंबर 5, यू टर्न टू पेज 5, यू विल सी दैट यू हैव टू थिंक एंड आंसर. सोचना है और आंसर करना है. इसमें किसके बारे में करना है, आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि पैटर्नल, जहां भी पैटर्नल सब युद्ध होता है वहां पे आप है ना पापा के घर के बारे में बात कर रहे हैं. यानी कि पापा जो है जैसे आपका दादी घर के बारे में बात कर रहे हो, जहां मैटरनल होता है वहां पे आप माँ के घर यानी कि नानी घर के बारे में बात कर रहे हैं. तो पैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नेम लिखने हैं, यानी कि आपको अपने दादा और दादी का नाम लिखना है. दूसरा चीज है आपको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नेम लिखने हैं, अपनी नानी और नाना के नाम लिखने हैं. ये फर्स्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में यही आपको करना है. फर्स्ट जो आपका एक एक्टिविटी जो है ये आपका फर्स्ट है, आपको फिल करना है. अगर आपको अपने नाना नानी या दादा दादी का नाम याद है तो वो आप फिल करेंगे, अगर नहीं याद है तो मम्मी पापा से पूछ के फिल करेंगे. पर आपको अपने दादा दादी और नाना नानी का नाम जानना बहुत जरूरी है. सेकंड वी विल मूव फॉरवर्ड एंड जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट द फैमिली. अब है पेरेंट्स, हम रीड करेंगे और रीडिंग को केयरफुली लिसन भी करेंगे कि हम वर्ड्स जो स्पेलिंग्स है, जो वर्ड्स हैं उनको अटर कैसे कर रहे हैं, ताकि आप भी घर बैठ के अभी रीडिंग कर सके. आप क्लासेस में नहीं है ताकि टीचर्स आपको रीड कराएंगे, आप स्टैंड होके रीड करें और मैं आपको उसका डिफाइन करूं. बट वी आर इन ऑनलाइन क्लासेस, सो आई विल रीड एंड यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू रीड कॉल द सेम सेंटेंसेस वाइल यू आर रीडिंग. जब हम पढ़ रहे हैं आपको भी पढ़ना है, सुनना है और फिर इसी तरह आपको भी रीडिंग का प्रैक्टिस करना है घर पे. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन टुगेदर मेक अ फैमिली. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन यानी कि माता पिता, पेरेंट्स सब में मम्मी और पापा दोनों आ जाते हैं. तो माता पिता और बच्चे जो है एक परिवार का साथ मिलते हैं तो एक परिवार का निर्माण करते हैं. द फैमिली सर्व्स टू लोकेट चिल्ड्रेन सोशली एंड प्लेस ए मेजर रोल इन देयर एजुकेशन. परिवार क्या करता है, फैमिली क्या करता है, आपको आपके है ना सोशल यानी कि सामाजिक जो भी आप करते हैं, सामाजिक आपकी गतिविधियां जो होती हैं, जो आपके काम होते हैं, जैसे अपनी थिंग्स को शेयर करना, ये किसने सिखाया, परिवार सिखाता है, स्कूल सिखाता है. तो आपको है ना स्कूल तो बाद में सिखाता है, फर्स्ट में आप क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, घर में होते हैं, तो पहले फैमिली में मम्मी पापा सिखाते हैं कि भाई बहन के साथ अपनी चीजों को शेयर करो. तो वो चीज हम घर से सीखना शुरू करते हैं सोशल में. आपका परिवार आपको हेल्प करता है आपके एजुकेशन में भी. कैसे करता है,
हो सकता है आपकी मदर फादर आपके आपके पास नहीं रहते हो, मम्मा के पास किचन में टाइम नहीं मिलता, तो आपकी जो फैमिली मेंबर्स है, दादी हो, बुआ हो, दादा हो, या फिर अंकल या फिर मैडम एंड अंकल हो, वो आपको हेल्प करते हैं आपको पढ़ने में। आपको है ना, देखते होंगे किसी की बड़ी दीदी होगी तो वो आपको शाम को स्टडीज वक्त हेल्प करती है। तो एक फैमिली बहुत जरूरी होता है किसी भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल मतलब कि आपका हर तरह से विकास हो, या एक पारिवारिक सामाजिक विकास भी हो और साथ में आपका एजुकेशन भी होता रहे, उसमें भी परिवार हेल्प करता है। राहुल एंड स्नेहा लिव विद देयर पेरेंट्स, देयर फादर इज एन इंजीनियर एंड मदर इज अ डॉक्टर। इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट टू चिल्ड्रेन, राहुल एंड स्नेहा। दे लिव विद देयर पेरेंट्स, हिज फादर इज एन इंजीनियर, उसके पापा क्या है, एक इंजीनियर है, एंड मदर इज अ डॉक्टर, एक माँ उनकी है, जो स्नेहा और राहुल की मदर जो है वो डॉक्टर है, और वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। दे लिव इन ए स्मॉल फैमिली। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो बच्चे सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं वो स्मॉल फैमिली में रहते हैं, और जो बच्चे अपने दादा दादी बुआ चाची चाची के साथ रहते हैं वो बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। इन ए स्मॉल फैमिली देयर आर पेरेंट्स विथ वन और टू चिल्ड्रेन। स्मॉल फैमिली का डेफिनेशन क्या है, एक स्मॉल फैमिली कैसे समझेंगे कि यह फैमिली स्मॉल फैमिली है या फिर बिग फैमिली है? तो स्मॉल फैमिली में एक मम्मी पापा, उनके एक या दो बच्चे होते हैं, अगर और एक बिग फैमिली में मम्मी पापा, उसके अंकल आंटी, दो से ज्यादा बच्चे, ये है ना बिग फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। बिग फैमिली का डेफिनेशन है, ज्वाइंट फैमिली में आपके अंकल आंटी चाचा चाची सब साथ में रहते हैं। In a small family, parents can easily fulfill the needs of one or two children. एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, इसको हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, एकल परिवार, यानी कि सिंगल जो फैमिली, स्मॉल फैमिली होता है उसमें मम्मी पापा क्या है, आपकी बस जरूरतों का ख्याल रखते हैं, बस आपकी जरूरत उन्हें देखनी होती है, तो वो बहुत इजिली किसी भी आपकी जरूरत को फुलफिल कर देते हैं, आपकी आपने जो चीज डिमांड किया, क्योंकि वो बस आप ही बच्चे हैं तो आपका डिमांड जल्दी पूरा कर देते हैं। जबकि एक बिग फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी डिमांड, सबकी नीड्स का ख्याल करना होता है। दे ऑल्सो कैन प्रोवाइड देम बेस्ट एजुकेशन एंड लुक आफ्टर देम वेरी वेल। वो है ना अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और अच्छा बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। जिनके आप ही समझो कि आप एक फैमिली में रहते हैं जहाँ पे 5 ब्रदर एंड सिस्टर हो, मान लो किसी कोई बच्चे की 5 भाई बहन हो और एक बच्चा अकेला हो, या फिर उसके एक भाई एक बहन हो, तो वो जो है उसके फादर अगर सेम अर्निंग करते हैं, एक ही जैसा कमाई करते हो, तो उन्हें क्या होगा, वो अपने 5 बच्चों को पढ़ाना होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो है ना अपने फैमिली में क्या करेंगे, उनको उतनी बेटर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे जितना कि ये अपने 2 बच्चों को दे पाएंगे। ये होता है स्मॉल फैमिली में। देयर पेरेंट्स केयर अबाउट देम वेरी मच बिकॉज देयर फैमिली इज स्मॉल। उनके पेरेंट्स उनके बारे में बहुत केयर करते हैं, केयर करते हैं मीन्स उनकी चिंता करते हैं, देखभाल करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली छोटी है, बस मम्मी पापा है और 2 बच्चे हैं। बोथ मदर एंड फादर अर्न मनी एंड सेटिस्फाई देयर चिल्ड्रंस नीड इफेक्टिवली। और सिंगल फैमिली में क्या होता है, दोनों मम्मी पापा कमाते हैं, पापा भी अर्न कर रहे हैं, मम्मी भी अर्न कर रही है, तो दोनों ही अपने बच्चों को उनकी चीजों को बहुत इजिली फुलफिल कर देते हैं, और वो है ना दोनों ही अपने बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। हो सकता है कि आपने पापा से ये डिमांड किया कि मुझे एक टैडी चाहिए, और मम्मी से आपने कह दिया मुझे लैपटॉप चाहिए, अब पापा भी अर्न कर रहे हैं तो वो इजिली आपको टैडी ला के दे, और मम्मी खुद भी अर्न कर रही हो, अगर कमा रही हो तो क्या होगा, वो लैपटॉप आपको खरीद के दे सकती है। तो वो होता है स्मॉल फैमिली में। इट मीन्स ए स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। इसका मतलब है एक छोटा परिवार जो है हैप्पी फैमिली की तरह रहता है, हैप्पी फैमिली होता है। करुण लिव्स इन ए बिग फैमिली। करुण जो है बड़ी परिवार में रहता है, बिग फैमिली में रहता है, विथ हिज पेरेंट्स 1 ब्रदर एंड ए सिस्टर। वो अपने मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन के साथ रहता है। हिज फादर इज ए टीचर एंड मदर इज ए होम मेकर। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्मॉल फैमिली में एक मम्मी पापा, उनके 1 या 2 बच्चे। अब ये बिग फैमिली हो गया, मतलब कि मम्मी पापा, करुण और उसके एक भाई और एक बहन, यानी कि उनके 3 बच्चे हो गए। तो ये बिग फैमिली है, और उनकी फादर जो है एक टीचर है और मदर होम मेकर है, यानी कि हाउसवाइफ है। इन ए बिग फैमिली देयर आर पेरेंट्स विद मोर देन 2 चिल्ड्रेन। एक बड़े परिवार में
एक मम्मी पापा और उनके दो से अधिक बच्चे होते हैं. हिज पेरेंट्स कैन केयर अबाउट हिम एंड हिज सिबलिंग्स प्रॉपरली बिकॉज ऑफ ए बिग फैमिली. उसके पेरेंट्स, उसमें क्या होता है, एक बड़े परिवार में मम्मी, आप, अपने बच्चे और उसके भाई बहन, यानी कि आपका और आपके दो तीन भाई बहन, उन सब का एक तरह से, एक हिसाब से ख्याल रखते हैं. इट मीन ए बिग फैमिली इज नॉट ए हैप्पी फैमिली. इसका मतलब होता है एक बड़ा परिवार एक हैप्पी फैमिली नहीं होता है. मीन्स नॉट इन द सेंस कि वो हैप्पी फैमिली नहीं होता है, वो हैप्पी फैमिली तो होता है, बट इस चीजों में, कुछ चीजों में उन्हें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है. हैप्पी फैमिली तो सारी फैमिलीज, आपकी फैमिलीज, सभी फैमिली हैप्पी होते हैं, बट कुछ चीजों में उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है. इसलिए यहाँ पे ये नॉट ए हैप्पी फैमिली का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है इसने. इवन हिज पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन नीड्स. बड़े परिवार में क्या होता है, कभी कभी मम्मी पापा को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों को चाहिए क्या, उनकी जरूरत क्या है. ये बिग फैमिली में होता है. स्मॉल फैमिली में क्या होता है, उनको पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए होता है, बहुत टाइम देते हैं. और यहाँ पे क्या है, दो से अधिक बच्चे हैं तो उनको उनको उसको 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 सबको टाइम देना होता है, तो थोड़ा सा टाइम की भी कमी हो जाती है मम्मी पापा की तरफ से. ऑन द अदर हैंड पिंकी एंड रोहित लिव इन अ वेरी बिग फैमिली. देयर अंकल आंट कजिन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद देम इन देयर फैमिली. और दूसरे हाथ में पिंकी और रोहित जो है एक बहुत बड़े परिवार में, जिसको भी हम ज्वाइंट फैमिली भी एक बोल सकते हैं, उसमें रहते हैं, जहाँ उसके अंकल रहती हैं, आंट रहती हैं, चाचा चाची के बच्चे जो होते हैं, कजन्स जिनको बोलते हैं, भाई बहन, चचेरे भाई बहन होते हैं, और उनके दादा दादी भी एक ही परिवार में एक ही साथ रहते हैं. देयर फैमिली इज इज ज्वाइंट फैमिली. इन अ ज्वाइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स आंट्स अंकल्स एंड कजिन लिव टुगेदर. उनका फैमिली क्या है, अभी मैंने बताया कि ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक साथ एक ही घर में एक ही परिवार में रहते हैं. इन देयर फैमिली ऑल मेंबर्स हेल्प ईच अदर. पिंकी एंड रोहित प्ले विद देयर कजिन्स. देयर अंकल एंड आंट हेल्प देम इन देयर स्टडीज अलॉन्ग विद देयर कजिन्स. ऐसे परिवार में क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. जैसे कि पिंकी और रोहित जो है अपने कजिन्स के साथ खेलता है, और उसकी आंटी जो है, अंकल आंट जो है, उसको हेल्प करते हैं उसके पढ़ाई में. यानी कि अभी यहाँ पे मम्मी पापा के साथ वो बच्चा नहीं खेल रहा, इनफैक्ट पूरे फैमिली के साथ में वो रहता है, और सब एक दूसरे की किसी किसी नीड्स में, किसी काम में हेल्प करते हैं. Their uncle and help them in their studies along with their cousins, and their parents also help their cousins in their education and socialization. अभी मैंने बताया कि उसके अंकल आंटी उसको हेल्प करते हैं उसकी स्टडीज में, चचेरे भाई बहन के साथ बैठ के वो पढ़ते हैं, एक बड़ी फैमिली में एक साथ बैठ के पढ़ते हैं सब. और इसके मम्मी पापा जो है, पिंकी और रोहित के मम्मी पापा क्या करते हैं, वो उनके अपने चचेरे भाई बहन, इन बच्चों के साथ में इसके जो भाई बहन हैं, जो चाचा के बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको भी एक साथ में उनके एजुकेशन में, यानी कि पढ़ाई में, और सोशलाइजेशन, सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक कामों के लिए उनको प्रोत्साहित करती है, सबको एक अच्छा व्यवहारिक, एक सोशल ह्यूमन बनाती है. हम है ना, परिवार में जब रहते हैं तो हम समझते हैं कि हमें अपनी नीड्स भी पूरी करनी होती हैं, और साथ में कोई अगर नीडफुल व्यक्ति है या फिर इंसान है तो उसके बारे में भी हम ख्याल करके चलते हैं. तो ये ज्वाइंट फैमिली का एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हम जो है ज्वाइंट फैमिली में अपनी नीड्स के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. अंकल होते हैं, आंट होती हैं, सब साथ में होते हैं, बहुत सारा कोई हमें पढ़ा देता है, हम किसी के साथ खेल लेते हैं, कोई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Their grandparents tell them the stories in the night before sleeping. उसके दादा दादी जो हैं क्या करते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं रात में सोने से पहले. यानी कि यहाँ पे grandparents भी involved हैं, मम्मी पापा उसके education में involved हैं, चाचा चाची रात को पढ़ाने में involved हैं, वो है ना उसकी cousins, uncle, आंटी, ये सब एक किसी किसी काम में इन्वॉल्व है. मीन्स किसी पर्टिकुलर आदमी को सारा काम नहीं करना पड़ रहा, ये अलग अलग जो मेंबर्स है उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है. दे लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन वेरी मच. और दादा दादी जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन यानी पोता पोती को बहुत प्यार करते हैं. टू मेक आवर पेरेंट्स हैप्पी वी शुड हेल्प देम इन देयर वर्क.
हमें अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए या हमें अपने मम्मी पापा को स्पेशल फील कराने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उनके काम में उनको हेल्प करना चाहिए। जैसे हम अपने डेली घर जाते हैं, बैग्स लेते हैं, बैग को डाला, कहीं फेंक दिया, शूज कहीं फेंक दिया, यूनिफॉर्म कहीं फेंक दिया, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक सिविलाइज्ड वे में उसको रखना चाहिए ताकि हमारे मम्मी पापा को हेल्प हो सके। हम उनको अर्न तो नहीं कर सकते, हम बड़े बच्चे तो नहीं है, हम बड़े आदमी नहीं है कि कमा सकते, तो हम उनको उनके हाउस होमवर्क, हाउस होल्ड थिंग्स में, हाउस होल्ड कोर्सेस में हेल्प कर सकते हैं। आवर मदर मेक्स फूड, वॉश्स आवर क्लॉथ एक्सेट्रा, आवर फादर अर्न्स मनी फॉर अस एंड सेटिस्फाइज आवर ऑल डिमांड्स। हमारी मम्मी क्या करती है, हमारे लिए घर के सारे काम करती है। हमारे घर के काम क्या, खाना बनाती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारे लिए स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करती है, बहुत सारे काम है घर में, डस्टिंग करती है। तो ये सारे काम कौन करता है, हमारी मम्मी करती है। और हमारे फादर जो है हमारे लिए अर्न करते हैं, यानी कि कमाते हैं, जिससे वो हमारे डिमांड्स को, हमारे जरूरतों को फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। वी शुड कीप आवर रूम नीट एंड टाइम। हमें अपने रूम को साफ सुथरा रखना चाहिए, बुक्स सेल्फ पे रखने चाहिए, क्लॉथ्स को, यूनिफॉर्म हो या फिर बाकी जो हमारे कपड़े हैं उनको एक अच्छे से फोल्ड करके डालना चाहिए, रैक पे डालना चाहिए, यानी कि रूम को क्लीन और टाइडी रखना चाहिए। वी शुड कीप द क्लॉथ्स इन द कबर्ड आफ्टर वॉशिंग एंड आयरनिंग। हमें अपने क्लॉथ्स को कबर्ड में रखना चाहिए, कब, धुलने के बाद, आयरन होने के बाद, इस्त्री करने और धुलने के बाद अपने क्लॉथ्स को कबर्ड में रखना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें अपने पेरेंट्स और अपने जितने भी बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड वी शुड लव आवर यंगर्स। हमारे जितने छोटे भाई बहन हैं उनको हमें प्यार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में भाई बहन के साथ लड़ाई करनी चाहिए, ये बहुत बैड मैनर्स है। वी शुड ओबे देयर इंस्ट्रक्शंस। हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो एल्डर्स है, अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, तो हमें उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहिए। ऐसा क्या होता है कभी कभी, क्या मम्मी पापा बोलते हैं कि इसको टच नहीं करना है, तो हमें तो और ज्यादा आती है कि नहीं, हमको इसको टच करना है, करना है, करना है, चुप के करते, तो वो चीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कुछ मना करते हैं, वो हमसे सीनियर है और उन्हें पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, गुड क्या है और बैड क्या है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड नाउ टुमारो, इन द टुमारो सेशन आई थिंक यू हैव टू रीड द टुडेज होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन, so that tomorrow we can complete the question answers, fill in the blanks and all the things. First you have to read the chapter carefully. That's all for today's class.